शिखर पर जा कर तुम भी कहीं यह भूल मत जाना, समझना है यही तुमको कि फिर है लौट कर आना। वो इंसान खुश सदा रहता जमीन पर जो टिका रहता, वो इंसान खुश सदा रहता जमीन पर जो टिका रहता, जमीन पर ही टिके रहकर शिखर को है तुम्हें पाना। मित्रों नमस्कार, प्रधाननामा के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक नए मेहमान के साथ हम हाजिर हैं। आज जिस मेहमान से हम आपको मिलवा रहे हैं वो अपने आप में बेहद खास है। कहते हैं कि जब हमारे कार्य लोगों को कुछ करने के लिए प्रेरित करने लगे तो व्यक्तित्व एक साधारण व्यक्तित्व नहीं, प्रेरणादायी व्यक्तित्व बन जाता है। और एक ऐसे ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व से आज हम आपको मिलवा रहे हैं। राखी देव वो मेहमान है जिनसे आज हम आपको मिलवाएंगे। चंदन नगर हुगली पश्चिम बंगाल से आप ताल्लुक रखती हैं। गणित विषय में आप स्नातक हैं। श्रीमान निरंजन देव की आप अर्धांगिनी हैं। साहित्यिक गतिविधियों में रची बसी राखी देव विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अपनी रचनाएं भेजती हैं और आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। राष्ट्र की संपत्ति में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। 10-12 साझा संग्रह में रचनाएं प्रकाशित की हैं। विभिन्न मंचों द्वारा आपका सम्मान हुआ है। कविता, मुक्तक, दोहा, गजल ये समय समय पर आपके द्वारा लिखित ये विधाएं प्रकाशित होती रही हैं। यदि वर्तमान की हम बात करें तो आप शिव सामाजिक साहित्यिक संस्थान प्रयागराज में एवं साहित्य शिल्पी देई बूंदी राजस्थान साहित्यिक मंचों पर बतौर सहयोगी निस्वार्थ भाव से साहित्य सेवा में कार्यरत हैं। आप कई मंचों पर अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं और इस तरह से विभिन्न मंचों से सम्मान प्राप्त नवोदित रचनाकार राखी देव का प्रधान नामों में हम एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। बांग्ला भाषी राखी देव का हिंदी के इस मंच द्वारा अभिनंदन और उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं हैं। आइए सुनते हैं राखी देव की कुछ रचनाएं। नमस्कार, मैं राखी देव चंदन नगर हुगली पश्चिम बंगाल से। मेरी रचना सत्य की राह पर सुनिएगा। मैं तथागत की धरा में जन्म ली हूँ, जानती हूँ सत्य की राह में असंख्य कंटक है भरा, पर क्यों संभव नहीं मेरा ध्यान में हो मग्न रहना, जबकि मैं धैर्य धरकर लक्ष्य निहित कर्म पथ पर चल पड़ी हूँ। हो कठिन जितनी भी राहें चलना मेरा निश्चित ही है, आहत मन रोकता है क्या यह वही धरा है जो तथागत के चरण धूलि के स्पर्श से खड़ा है। जाने क्यों जिद पर अड़ी हूँ फिर भी मैं चल पड़ी हूँ उस गतिशील राह पर। अब दुख मिले या सुख मिले करती हूँ आश्वस्त खुद को, ज्ञान का भिक्षा मिले मैं वही भिक्षुक बनूं, क्योंकि मैं तथागत की धरा में जन्म ली हूँ और मरूंगी भी तथागत की ही धरा पर। जबकि मुझको ये विदित है मिलेगी एक सुजाता और फिर राह में दिख जाए अंगुली माल है आता, अच्छाई या बुराई सब यही मिलेगी यही जग में निहित है। पर मैं यह मानती हूँ कि सत्य की ही जीत होती और झूठ हरदम हार जाता। मोह माया जोगियों सा त्याग कर जो चल दिया था और पीछे छोड़ दिया अपना धन संपदा वैभव सारा, वो जो किसी के वेदना में व्यथित होता और किसी दूसरे के पीड़ा से है पीड़ित रहता और जिसे दूसरे के घाव का आभास होता, वो नितांत एकांत होकर चल पड़ा था
वो नितांत एकांत होकर निरंतर चल पड़ा था सत्य की ही खोज करने। युगांतकारी बदलाव लाने के लिए कटिबद्ध था जो सत्य का वह उपासक धर्म का नव बीज बोता। बुद्धता को प्राप्त कर जो जी रहा इसी सत्य में, वास्तविक ज्ञान है उसी को मिल रहा। जो पथ निदर्शित बुद्धि की राह में है चल रहा, जो पथ निदर्शित बुद्ध की राह में है चल रहा, वास्तविक सत्य का ज्ञान उसे ही मिल रहा है। प्रकाशित उसका जीवन और सदा ही रहेगा सत्य की राह पर जो सदा चलता रहेगा, सत्य की राह पर जो सदा चलता रहेगा। मेरी एक और रचना मैं कौन हूँ, सुनिएगा। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ये रचना अपने अस्तित्व को खोजती एक नारी अपने आप से पूछ रही है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। धरा से पूछूँ या अंबर से, फूल से पूछूँ या पत्तियों से, बगिया से पूछूँ या कलियों से, बादल से पूछूँ या बरसात से, जाने किस किस से पूछूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ना मैं सीता हूँ, ना मैं राधा हूँ, ना द्रौपदी हूँ, ना मीरा हूँ, ना गगन की चांदनी हूँ, ना रागों की रागनी हूँ, ना मैं वो चांद हूँ जिसकी सुंदरता को लोग बखाने, ना मैं वो प्रज्वलित दिया हूँ जिसकी रोशनी से भगवान भी मुस्कुराए। मैं सूरज से निकले धरा पर प्रकाश का विकिरण हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। क्या मैं धरा की धूल हूँ, वक्त के निर्माण का क्या मैं एक अदना भूल हूँ, क्या मैं वो कड़वाहट हूँ जो अंगीकार को तरसे, या मैं गगन की वो पिपासा हूँ जो बिन बादल ही बरसे, या फिर मैं हूँ कोई मरीचिका जिसके लिए मृग तरसे, मैं कौन हूँ। मैं जागृत नवचेतना का प्रस्फुटित वो अंकुरण हूँ, मैं जागृत नवचेतना का प्रस्फुटित वो अंकुरण हूँ, मैं घोर तमस की रात्रि का एक अविरल सा किरण हूँ, मैं घोर तमस की रात्रि का एक अविरल सा किरण हूँ, मैं उस हिमालय से निकलती पवित्र गंगा की अवतरण हूँ, शैल भी जिससे डरे मैं पवन का वो आगमन हूँ, मैं अडिग वो पर्वत हूँ जिसकी दृढ़ता में ना कोई परिवर्तन है, मैं अग्नि सम वह तेज हूँ जिसे सूर्य भी करते नमन है, मैं कथानक हूँ उस कथा का जिसका न कोई अंत होता, मैं भावना हूँ उस मन का जो न कभी प्रत्यक्ष दिखता, मैं वेदना हूँ उस आत्मा का जिसे दूसरे के घाव का आभास होता, मैं साधना हूँ उस साधक का जिसकी गहराई ना आकी जाती, मैं आस्था हूँ उस प्रेम का जो विषपान करने से न सकुचाती, मैं वंदना की सार हूँ, मैं अर्चना की थाल हूँ, मैं प्रार्थना हूँ उस देव का, मैं प्रार्थना हूँ उस देव का, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं प्रार्थना हूँ उस देव का। मेरी एक और रचना, ये आँखें, सुनिएगा। अक्सर लोग कहा करते हैं, अक्सर लोग कहा करते हैं, खामोश रहना ही भला है, अक्सर लोग कहा करते हैं, खामोश रहना ही भला है, पर जब शोर हो अंतर मन में, पर जब शोर हो अंतर मन में, खामोश रहना भी एक सजा है। हाले दिल जब कह ना पाए, जुवा खामोश रहती है, खामोशी की बात न करिए, राज दिल आँखें कहती है। अस्कों के मोती जब बहते हैं, बिन बोले ही सब कह जाते हैं, रिश्ता है आँखों से उनका गहरा जो दिल तक जाते हैं। कभी खुशी तो कभी ये गम के, कभी खुशी तो कभी ये गम के, हाले दिल बयां करते हैं, नहीं ठहरते पलकों में आखिर, मोतियों सा झड़ते रहते हैं। आँखों से छुपता नहीं कुछ,
आँखों से छिपता नहीं कुछ, भले ही कान सब सुन जाए। आँखों से छिपता नहीं कुछ, भले ही कान सब सुन जाए। मुँह से जब कुछ कहा नहीं हो, आँखें ही सब कुछ कह जाए। मुँह से जब कुछ कहा नहीं हो, आँखें ही सब कुछ कह जाए। खामोशी की भी जगह है अपनी, खामोशी की भी जगह है अपनी, दिल से दिल की बात सुने। खामोशी की जगह है अपनी, दिल से दिल की बात सुने। कभी न करती शिकायत दिल से, बस आँखों से बात कहे, बस आँखों से बात कहे। आँखों से आंसू जब बहते हैं, खामोशियों में सब कह देते। आँखों से आंसू जब बहते हैं, खामोशियों में सब कह देते। धड़कनों से धड़कनों की बातें भी वह सुन लेते। सुकून जब दिल को मिले, आँखें ही तब बयां कर जाए। सुकून जब दिल को मिले, आँखें ही तब बयां कर जाए। रिश्ता कुछ आँखों से दिल का, जो दिल को दिल के करीब लाए, जो दिल को दिल के करीब लाए। मुक्तक है, सुनिएगा। शिखर उसको ही मिलता है जिसे मंजिल की चाहत हो। शिखर उसको ही मिलता है जिसे मंजिल की चाहत हो। उसे तो कुछ नहीं मिलता जिन्हें सोने की आदत हो। लगन और धैर्य से पूरे करो तुम स्वप्न जीवन के। लगन और धैर्य से पूरे करो तुम स्वप्न जीवन के। उसे सब कुछ ही मिलता है प्रभु की जब इनायत हो। उसे सब कुछ ही मिलता है प्रभु की जब इनायत हो। एक और मुक्तक सुनिएगा। शिखर पर जाकर तुम भी कहीं यह भूल मत जाना। शिखर पर जाकर तुम भी कहीं यह भूल मत जाना। समझना है यही तुमको कि फिर है लौट कर आना। वो इंसान खुश सदा रहता जमीन पर जो टिका रहता। वो इंसान खुश सदा रहता जमीन पर जो टिका रहता। जमीन पर ही टिके रहकर शिखर को है तुम्हें पाना। जमीन पर ही टिके रहकर शिखर को है तुम्हें पाना। एक और मुक्तक। अपने पर विश्वास जिन्हें इन घातों से डरे नहीं है। अपने पर विश्वास जिन्हें इन घातों से डरे नहीं है। वंशज है जो सूरज के तमरातों से डरे नहीं है। हर मौसम में बढ़ते हैं मंजिल रखते आँखों में। शिखरों को छूने वाले हालातों से डरे नहीं है। शिखरों को छूने वाले हालातों से डरे नहीं है। बढ़ाते प्यार जो अपना सभी के यार होते हैं। बढ़ाते प्यार जो अपना सभी के यार होते हैं। पिलाते नीर वो मीठा नदी के धार होते हैं। यही कहता जमाना है बड़े सम्मान से यारो। शिखर को चूमने वाले बड़े दिलदार होते हैं। शिखर को चूमने वाले बड़े दिलदार होते हैं। धन्यवाद।